أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلوات एक मरतबा और बुलंदतर सलावात पढ़ो। बिरादरान अज़ीज़, कुरान हकीम की ये आयत करीमा रब अकबर की तरफ से उसके बंदों को दुआ का दस्तूर दे रही है, दुआ का हुक्म है इसमें, और वो भी कमाल शफ़क़त के साथ, अपने रुबूबियत के हवाले के साथ। लेकिन आयत के दूसरे फ़िक्रे में कहा गया है, इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग मुझसे दुआ करने से सरकशी करेंगे, सरगरानी करेंगे, इस्तकबार करेंगे, तकब्बुर से काम लेंगे, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो इंतहाई रुसवाई के साथ, ज़िल्लत के साथ जहन्नम में जल्द ही दाखिल होंगे। कुरान हकीम के असालीब में जो लोग मुसलसल फ़िक्र करते रहते हैं, मैं पिछले 10 बरसों से ये बात मेंबर से कहता आ रहा हूँ और याद दिलाता रहता हूँ कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया है, इस्तंतक़ु बिल क़ुरान, क़ुरान से गुफ्तगू करो, क़ुरान से गुफ्तगू करो। और ये अर्ज़ करता रहा हूँ कि क़ुरान मजीद बोलता है, गुफ्तगू करता है, मगर उससे जो क़ुरान मजीद के अदब और उसके एहतराम से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। क़ुरान गुफ्तगू करता है, मगर उससे जो क़ुरान का ज़बाँ शनास हो। क़ुरान गुफ्तगू करता है, मगर उससे जो क़ुरान का लहजा शनास हो। देखिए, ज़बान का मसला और लहजे का मसला बहुत अहम होता है। कोई आलिम किसी जाहिल से कभी कभी गुफ्तगू नहीं करता सिर्फ इसलिए कि मैं जो कुछ कहूँगा ये समझ नहीं पाएगा, तो मैं क्या कहूँ। और इसकी मिसालें तारीख़ अदब में भी मौजूद हैं। कहते हैं कि मीर तकी मीर कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, रास्ते में किसी ने गुफ्तगू करना चाही
उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। प्रोफेसर मशकूर हुसैन याद साहब तशरीफ़ फरमाएं, शायर हैं, अदबी तनकीद में बहुत अच्छी किताबें इन्होंने लिखी हैं, मैं उन किताबों की कदर करता हूँ। हरचंद के मेरा ख़्याल ये है कि फ़लसफ़ा और मज़हब इनके दायरे कार से बाहर हैं। ये अदब के आदमी हैं, शायरी और ज़बान के आदमी हैं, और इस सिलसिले में जो इन्होंने खिदमत की है मैं उसकी कदर करता हूँ। इनको गवाह करके कह रहा हूँ कि मीर तकी मीर का ये वाक़या सच्चा है। और हमारे 20वीं सदी के एक उर्दू के शायर हज़रत अल्लामा जमील मज़हरी, उनका एक शेर है, फरमाते हैं, बुलाओ उसको ज़बां दां जो मज़हरी का हो, बुलाओ उसको ज़बां दां जो मज़हरी का हो, मगर ये शर्त है 21वीं सदी का हो। कभी 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 शायर, अदीब, मुसन्निफ़, ख़तीब एक मखसूस तबके को, एक मखसूस नस्ल को सामने रख कर कोई तख्लीक पेश करता है, और वो उसी तबके से, उसी नस्ल से अपनी दाद चाहता है। हज़रत अल्लामा इकबाल ने जावेद नामा जैसी लाजवाल नज़्म तसनीफ़ फरमाई, वो सिर्फ़ डॉक्टर जावेद इकबाल के लिए नहीं लिखी है, वो जावेद नामा पूरी नस्ल के लिए है, उम्मत इस्लामिया की पूरी नस्ल के लिए वो उनका पैगाम है, वो सिर्फ़ एक फ़र्द के लिए नहीं है। क़ुरान हकीम एक किताब होने की हैसियत से इसकी एक ख़ास ज़बान है, और हर ज़बान का एक ख़ास लहजा होता है, हर ज़बान में कुछ ख़ास मुहावरात होते हैं, हर ज़बान के कुछ ख़ास ज़र्बुल अमसाल होते हैं। आप मीर तकी मीर के दीवान का मुताला दिल्ली की उर्दू को नज़रअंदाज करके नहीं कर सकते, आप वली दक्कनी के दीवान का मुताला दक्कनी उर्दू को नज़रअंदाज करके नहीं कर सकते, आप नासिख या मीर अनीस की शायरी का मुताला लखनऊ के दबिस्तान को नज़रअंदाज करके नहीं कर सकते। जब आप इस उसूल से मानूस हैं तो आप ये बताइए, क़ुरान मजीद का मुताला मोहम्मद के तर्ज़ बयान से अलग कैसे है? क़ुरान मजीद उससे गुफ्तगू करता है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़बान जानता है, जो उनका लहजा शनास है, जो उनका मुहावरा शनास है। गालिब ने कहा था, और सिर्फ उसकी शायरी नहीं, हक जलवागर ज़े तर्ज़े बयाने मोहम्मद अस्त। रब अकबर ने गुफ्तगू की है अपने बंदों से, मगर मोहम्मद की ज़बान से गुफ्तगू की है। तो जब तक के इंसान मोहम्मद से वफा नहीं करेगा, उस वक्त तक कुरान उसे मुंह नहीं लगाएगा। ये कैसे मुमकिन है कि इंसान कुरान उसके सामने अपने असरार खोल दे जिसका दिल मोहम्मद से मानूस ना हो, जिसका जहन मोहम्मद से मानूस ना हो, जो लहजे मोहम्मद, हदीस मोहम्मद, कलाम मोहम्मद, ज़बान मोहम्मद, किरदार मोहम्मद, सीरत मोहम्मद से आशना ना हो, उससे कुरान कैसे दोस्ती कर लेगा? फिर गालिब का, इकबाल का मिसरा मुझे याद आता है कि की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये लौह कलम कौन सा लौह कलम है? हज़रत तशरीफ़ रखें, अल्लाह ताला आपकी उम्र में, आपके ईमान में बरकत अता फरमाए, आपके जज्बात को कबूल फरमाए, आपको अजर अता फरमाए, आप तशरीफ़ रखें।
मुझे आपकी मदद की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। एक बुलंदतर सलावात पढ़े मोहम्मद। मैं दस बस्ता आपसे मुआफ़ी चाहता हूँ। पंजाब का लाहौर का एक ख़ास माहौल है। यहाँ एक ख़तीब मेंबर पर होता है, बहुत से खुतबा ज़ेर मेंबर होते हैं और सब मिल के मजलिस पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये दस्तूर नहीं है। एक के बाद एक बयान अपना पेश करता है और खसूसियत के साथ मेरी तबीयत इस वक्त बहुत साथ नहीं दे रही है। मैं बहुत अपनी तबीयत को समेट के गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि तकाज़ाए मजलिस पूरा हो जाए, इसलिए आप एक सलावात से मुझे सहारा। गुजारिश में ये कर रहा हूँ कि क़ुरान मजीद गुफ्तगू करता है, क़ुरान मजीद बेशक गुफ्तगू करता है। क़ुरान मजीद इस तरह क़ल्ब मोमिन पर नाजिल होता है कि जो नाजिल होने का हक़ है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने क़ुरान मजीद की तिलावत की और इस तरह तिलावत की, इतनी बार तिलावत की कि मैंने बराह रास्त क़ुरान मजीद की आवाज़, वो आवाज़ सुनी कि जिसे आवाज़ वही कहते हैं। और दस्त अदब जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर कोई अहले मुराकबा हो, कोई अहले मुकाशफा हो, कोई रियाजत कार होगा तो ये समझ सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है अपना हवाला कभी देना नहीं चाहिए। इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे होंगे कि मकाम मुराकबा में एक ही आयत का विर्द करते रहिए तो महसूस होता है कि पूरी कायनात आपके साथ विर्द कर रही है। मालूम होता है कि मलाइका बैठे हुए विर्द कर रहे हैं आपके साथ। आपकी आवाज़ गुम हो जाती है, किसी और की आवाज़ आपके कानों में रस घोलने लगती है। ये होता है, यानी ये क़ुरान हर तरीक़े से गुफ्तगू करता है। क़ुरान अपने मानी खोल के सामने रख देता है, क़ुरान अपने मानी को मुजस्सम करके सामने ले आता है, जिसको तमसील कहते हैं, जिसे तमस्सुल कहते हैं, जिसे तमस्सुल बरज़खिया कहते हैं। ये सब उरफा के तजर्बात में से हैं। अगर किसी को मालूम ना हो कि विलायत का मफहूम क्या है, क़ुरान समझाता है विलायत का मफहूम क्या है। अगर किसी को मालूम ना हो कि वली का मफहूम क्या है, क़ुरान समझाता है वली का मफहूम क्या है। अगर किसी को मालूम ना हो कि वली किसे कहते हैं बिताइन, क़ुरान मजीद रहनुमाई करता है कि वली किसे कहते हैं बिताइन। लेकिन इसके लिए सफ़ाए खातिर शर्त है, पाकिजगी कल्ब शर्त है, रियाजत नफ्स शर्त है और लहजा शनासी शर्त है, मोहम्मद से वफा शर्त है। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। मोहम्मद से वफा इसलिए शर्त है कि वही बताएंगे कि क़ुरान मजीद के मफाहीम किस तरीक़े से मुतायन किए जाते हैं। क़ुरान मजीद कोई आम किताब नहीं है कि जिस तरीक़े से चाहें हम उसके मतन की तफसीर और तशरीह कर लें। मुझे वो जदीद तरीन अदबी नज़रियात का इल्म है कि जहाँ ये बात बताई जा रही है कि मतन किस हद तक हाकिम है मानी पर, मानी हाकिम है या मतन हाकिम है। मुझे वो अदबी नज़रियात का इल्म है कि आया तख्लीक़कार का मंशा कितना पेश नज़र रहना चाहिए और कारी की फहम को कितना दखल होता है किसी मतन के समझने में। लेकिन अगर क़ुरान मजीद को सिर्फ़ कारी के फहम पर छोड़ दिया जाए, मंशाए इलाही को नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो फिर नतीजा क्या होगा, फिर अंजाम कार क्या होगा, आप समझ सकते हैं। क़ुरान मजीद रब अकबर का दस्तूर है, रब अकबर के अहकाम हैं, रब अकबर की तरफ से ये पैगाम है आलम बशरियत के लिए, क़याम क़यामत तक के लिए, क़याम क़यामत तक के लिए। इसलिए ये अजीब व गरीब सनात में नाजिल हुआ है, इसीलिए चूँकि क़याम क़यामत तक के लिए यही किताब काफ़ी है।
इसीलिए इसके हर हर फकरे के एक से ज़्यादा मानी हैं। मैं मिसाल अर्ज कर दूँ, नमाज पढ़ते हैं आप रोज़ाना, सूरह अलहम्द की तिलावत करते हैं आप, सूरह अलहम्द शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज का कोई भी तर्जमा करने वाला क्या तर्जमा करता है? आलमीन से क्या मुराद है? यानी अल्लाह तमाम दुनियाओं का परवरदिगार है, अल्लाह तमाम आलमों का परवरदिगार है, जहन जाता है अल्लाह तमाम जहानों का परवरदिगार है। जब आज 20वीं सदी और 21वीं सदी में एक से ज़्यादा जहानों का हमें पता चला, तो हमने ये तर्जुमा किया कि अल्लाह तमाम जहानों का परवरदिगार है, यानी अल्लाह तमाम सितारों, तमाम सैारों, तमाम कायनातों का परवरदिगार है, इस कॉस्मॉस का भी वही परवरदिगार है। इसके अलावा अगर कहीं कोई और गैलेक्सी है, कहीं और कोई चीज़ है, वजूद रखती है, जो कुछ भी बना में हस्ती मौजूद है, सबका रब वही परवरदिगार है। लेकिन वो अरब जो इसका मुखातब अव्वल था, जिसके सामने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हम की तिलावत की, कुरान मजीद की तिलावत की, वो अरब आलमीन के क्या मानी समझता था? वो तो इस पूरे कुरे अर्ज़ से भी वाकिफ़ नहीं था, उसे अमेरिका की ख़बर नहीं थी, उसे यूरोप की पूरी ख़बर नहीं थी, उसे एशिया की पूरी ख़बर नहीं थी, ए? उसे जापान की ख़बर नहीं थी, उसे उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की ख़बर नहीं थी। अरब का जुग्राफिया का इल्म कितना महदूद था उस वक्त, आम इंसान कितना महदूद इल्म था, वो भी रब्बुल आलमीन के मानी समझ रहा था। आज हम भी रब्बुल आलमीन के मानी समझ रहे हैं, वो भी सही समझ रहा था, हम भी सही समझ रहे हैं। कितना तफावत है, पूछिए अस्हाब किराम से कि वो आलमीन के क्या मानी समझते थे। वो आलमीन का तर्जमा करते थे अल्लाह तमाम इंसानों का पालने वाला है, वो हर इंसान को एक आलम कहते थे, वो हर इंसान को एक आलम कहते थे। और ये बात कल भी बड़ी मानी खेज थी, आज भी बड़ी मानी खेज है। हर इंसान एक आलम है, हर इंसान अपने वजूद में कायनात अकबर है, और इसको भी सबसे पहले बड़ी तफसील के साथ उस इंसान कामिल ने बताया कि जिस इंसान कामिल की तरबियत मुहम्मद अरबी ने फरमाई थी, जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है, उन्होंने फरमाया अतज़अमु अन्नका जिर्मुन सगीर वफीकन तवल आलमुल अकबरु, क्या तू अपने को एक हकीर सा जरसूमा समझता है, एक हकीर सा मादी वजूद समझता है, एक छोटा सा नादीदा सा? नहीं, तेरे अंदर आलम अकबर पोशीदा कर दिया गया है, तेरे अंदर आलम अकबर पोशीदा। ये इंसान आलमीन का मिसदाक है, लेकिन सिर्फ इंसान ही आलमीन का मिसदाक नहीं है, जितने भी आलम, जितनी भी कायनातें कयाम कयामत तक वजूद में आएंगी, वो सब आलमीन की तफसीर में शामिल हैं। और सिर्फ कयाम कयामत तक जो आलम वजूद में आएंगी, वही क्यों, कयाम कयामत के बाद जो कायनातें वजूद में आएंगी, उनका भी वही रब्बुल आलमीन है, उनका भी वही रब्बुल आलमीन है। तो आपको अंदाज़ा हुआ सिर्फ इस एक आयत से कि कुरान मजीद की एक आयत कितनी गहराई रखती है, कितने इसके मानी मुमकिन हैं, कितने तर्जमे मुमकिन हैं, किस कदर इसका बातिन गहरा है। इसीलिए हबीब किबरिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था अल कुरान ज़ाहिरुहु अनीक व बातिनुहु अमीक, ये कुरान वो है कि इसका ज़ाहिर अनीक है, दीद अज़ेब है, जाज़िब नज़र है, जाज़िब तवज्जो है, जालिब तवज्जो है, और इसका बातिन बहुत अमीक है, बहुत गहरा है। इसके बातिन के बातिन हैं, बातिन के बातिन हैं, बातिन के बातिन हैं, ये कौन बताएगा जो बातिन ही से बेखबर हो? जो बातिन का कायल ही ना हो, बातिन क्या है, बातिन वजूद क्या है, आलम गैब, बातिन क्या है, बातिन वजूद क्या है, आलम गैब, जो आलम गैब का कायल ही ना हो,
जो साकिन गैब का मुनकर हो वो कुरान के मानी कैसे दरियाफ़ कर सकता है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले बहरहाल बहरहाल ये सिर्फ तमहीदी फ़िक्रे हैं और अक्सर ये होता है अज़ीज़ान गिरामी कि तमहीदी फ़िक्रों में मजलिस तमाम हो जाती है। मैं आपसे शर्मसार होता हूँ, मौजू का हक अदा नहीं हो पाता, बयान मुकम्मल नहीं हो पाता, हमेशा मुनक़िअ हो जाता है। मैं फिर इस आयत की तरफ पलट के आता हूँ कि रब अकबर ने फरमाया है कि जो लोग मेरी इबादत से सरगरानी करेंगे आन करीब सैद खलू न जहन्नम दाखरीन। ये सीन क्यों आया यहाँ पर? मुस्तकबिल के तायुन के लिए, सेगे मुजारे को मुस्तकबिल से जोड़ देने के लिए, मुस्तकबिल से मखसूस कर देने के लिए दो चीज़ें हैं, या सीन या सोफ़ा इस्तेमाल कर लिया जाए। सैद खलूना सोफ़ा यद खलूना सैद खलूना मुस्तकबिल करीब के लिए अमूमन इस्तेमाल होता है, सोफ़ा यद खलूना सोफ़ा मुस्तकबिल बईद के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मकसद ये होता कि इंसान इस दुनिया के बाद जहन्नम में जाएगा तो सोफ़ा यद खलून कहा जाता। यहाँ इस बात की तरफ भी इशारा है, सैद खलूना यही दुनिया उनके लिए जहन्नम बन जाएगी अगर वो मुझसे दुआ का राबिता तोड़ देंगे। यही दुनिया जहन्नम बन जाएगी मोमिन के लिए, मुस्लिम के लिए, इंसान के लिए, बशर के लिए, अगर वो रब अकबर से दुआ का राबिता तोड़ दे। दुआ का राबिता बहुत अहम है अज़ीज़ान गिरामी। दुआ के ज़ाहिरी आदाब हैं, दुआ के बातनी आदाब हैं, दुआओं के मरातिब हैं। दुआ अव्वलन खुद दुआ एक अमल तजर्रुद है, दुआ के लिए तजर्रुद शर्त है। ये एक बात कल तक कही, आज ये अर्ज कर रहा हूँ, दुआ खुद अमल तजर्रुद है। यानी क्या, हम अगर दुआ ना करेंगे रब अकबर से, अगर रब अकबर से दुआ ना करेंगे तो क्या करेंगे? हम दुनिया पे भरोसा करेंगे, और जब हम दुनिया से कटेंगे तब दुआ करेंगे। दुनिया से अपने ताल्लुक़ खातिर को तोड़ने ही का नाम तजर्रुद है। रब अकबर पर तवक्कुल तजर्रुद का आगाज भी है, तजर्रुद का कमाल भी। हमें इस दुनिया से फ़ायदा उठाना है। दुनिया बेजारी का सबक नहीं दे रहा हूँ, दुनिया बेजारी नहीं सिखाई है अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के तरफ से आने वाले रहबरों ने, हादियों ने, दुनिया बेजारी नहीं सिखाई है। दुनिया को इस तरह इस्तेमाल करना सिखाया है कि आखिरत बर्बाद ना हो जाए। दुनिया बेजारी नहीं सिखाई है, जोहद के मानी दुनिया बेजारी नहीं है, तकवा के मानी दुनिया बेजारी नहीं है, तवक्कुल बर खुदा के मानी दुनिया बेजारी नहीं है। पुराना जुमला है, न जाने कितनी बार मैंने लखनऊ में, दिल्ली में, मुख्तलिफ शहरों में अर्ज़ किया, गालिबन यहाँ भी कह चुका हूँगा, आपका खुदा हमारा रब, हमारा रसूल, हमारा इमाम, हमारा वली हमें नादार नहीं देखना चाहता, हमें मुफलिस नहीं देखना चाहता, हमें बीमार नहीं देखना चाहता, हमें पसमानदा हालत में नहीं देखना चाहता, वो हमें गनी देखना चाहता है, मुस्तगनी देखना चाहता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो दौलतमंदी की रुऊनत चेहरे पर नहीं देखना चाहता, दौलत रखते हुए खौफ खुदा चेहरे पर देखना चाहता। नादारी और इफ़लास की बिना पर कोई भूखा हो और भूख की वजह से उसका चेहरा जर्द हो, अल्लाह को पसंद नहीं है, रसूल को पसंद नहीं है, इमाम को पसंद नहीं है, आपके दीन और मज़हब को पसंद नहीं है। लेकिन आपके पास खाने के लिए पूंजी हो, खाना मैसर हो, और खाना खाते वक्त एक एक लुकमा हाथ में लेते वक्त ये देखें ये लुकमा जायज़ है या नाजायज़ है, ये लुकमा मेरे लिए है या इसमें किसी और का भी हिस्सा शामिल है, और उसके बाद
इतनी ग़िज़ा लेने के बाद कि जितनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, जितनी रमक हयात बाकी रखने के लिए ज़रूरी है, उतने लुक्मे जो पिंडलियों को इतनी ताकत बख्श दें कि आप क़याम की हालत में खड़े हो सकें, इतनी ग़िज़ा जो आपके जिस्म को इतनी तवानाई अता कर दें कि आप रमज़ान में रोज़े रख सकें, इतनी ग़िज़ा जो आपको हलाल रोज़ी कमाने की क़ुव्वत बख्श सके, उतनी ग़िज़ा लेने के बाद आपके चेहरे पर खौफ इलाही से जर्दी आ जाए, वो जर्दी पसंद है परवरदिगार। तो ज़ोहद के मानी, तक्वा के मानी, दीनदारी के मानी दुनिया बेजारी के नहीं हैं, दुनिया बेजारी के हरगिज़ नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि तुम तवक्कुल करो खुदा पर, दुआ करो, राबिता दुआ का बरकरार रखो। दुआ का मुकम्मल मफहूम जहनों के सामने नहीं है, इसीलिए मैंने पूरी जिम्मेदारी से अर्ज़ किया था। आप ये समझे होंगे, आपने ये ख्याल फरमाया होगा कि मैंने सुखन गुस्तराना बातें कही हैं, खतीबाना जोश में ये बातें कही हैं। मैंने कुछ सोच समझ के कहा था, मैंने कहा था खेत में मजदूर का काम करना भी दुआ है, ताजिर का तजारत करना भी दुआ है। आपके लिए ये तसव्वुर नामानूस ज़रूर होगा, मगर ये वाकई है, हकीकी है। दुआ क्या है? रब अकबर से राबता बरकरार रखना और उसके वसीलों से फ़ायदा उठाना। हकीकत दुआ है वसाइल इलाहिया से फ़ायदा उठाना, हकीकत दुआ है वसाइल इलाहिया से फ़ायदा उठाना, वसायत इलाहिया से फ़ायदा उठाना, यही हकीकत दुआ है। दुआ क्या है? तलब, ज़िंदगी की तलब, ज़िंदगी की तलब। इस तलब को पूरा करना है, इस तलब को पूरा करना है। जितने भी वसाइल रब अकबर ने फराहम किए हैं उनको इस्तेमाल करना है, उसके किसी भी वसीले की नाकदरी ये भी एक मरतबा शिर्क है। उसके किसी वसीले की नाकदरी, उसके किसी अतीय की नाकदरी ये भी एक मरतबा कुफ्र है। कुफ्र के मरातिब हैं जैसे ईमान के मरातिब हैं। एक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इंसान ईमान कामिल के दर्जे पे फायज नहीं हो जाता। ईमान कामिल के लिए बहुत सी चीज़ें दरकार हैं, बहुत से शरायत दरकार हैं, बहुत से शरायत दरकार हैं। तो पहले अब इस मसले को समझ लें कि परवरदिगार आलम के की इताअत और बंदगी शर्त है, हम इबादत करते हैं आखिरत के लिए। ये जुमला पहले ही कह दूँ, आ गया है मौका, इस मौके पर कह दूँ कि दुआ हर मरहले के लिए ज़रूरी है, दुनिया के हर काम के लिए भी ज़रूरी है, आखिरत के हर काम के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन ये याद रहे कि दुनिया के काम बग़ैर दुआ के भी पूरे हो सकते हैं, आखिरत बग़ैर दुआ के कभी नहीं संवर सकती। आखिरत संवारने का वसीला सिर्फ़ एक है और वो है दुआ। अगर कोई शख्स ये तय कर ले, अगर कोई शख्स ये तय कर ले कि मैं इस दुनिया में कुछ करना चाहता हूँ, और वो उसके लिए प्रोग्रामिंग करे, उसके लिए पूरी कोशिश करे, उसके लिए पूरी जिद्दोजहद करे, पूरी तवानाई अपनी सर्फ कर दे, पूरी ज़हानत अपनी सर्फ कर दे, तो यकीनन वो जो कुछ बनता है ज़रूर बन जाएगा। चाहे खुदा से मदद ले या मदद ना ले, कोई ये तय कर ले कि मुझे बहुत बड़ा मालदार बनना है चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो, सही तरीके से आमदनी हो या गलत तरीके से आमदनी हो, हमें तो अमीर बनना है, हमें तो रईस बनना है, हमें तो मालदार बनना है, हमें तो गनी बनना है। जिस तरीके से भी मुमकिन हो, हम गस्प करेंगे, हम चोरी करेंगे, हम डकैती करेंगे, जितने भी जराइम हैं करेंगे, और जाहिर सी बात है कि हमारे जराइम पर जो निगरान पुलिस है उसका भी मुंह भर देंगे, निज़ाम से भी बच जाएंगे। क्या कुछ मुमकिन नहीं है? यानी हम खुदा से बेनियाज होकर इस दुनिया में अगर कुछ बनना चाहते हैं तो बन जाएंगे। अल्लाह ने वादा किया है, वो हमारी प्रोग्रामिंग में कभी रोड़ा नहीं अटकाएगा, तुम जो बनना चाहो बनो। अल्लाह ने छूट दे रखी है, आज़ादी दे रखी है, उसने आज़ादी सल्ब नहीं की है,
قطعاً سلب نہیں کی ہے. انسان خدا فراموش ہو کر بھی اس دنیا میں جیتا ہے. انسان خدا فراموش ہو کر فرعون بن گیا. انسان خدا فراموش ہو کر حامان بن گیا. انسان خدا فراموش ہو کر نمرود بن گیا. انسان خدا فراموش ہو کر کیا نہیں بن گیا. انسان خدا فراموش ہو کر یزید بن گیا. انسان کیا نہیں بن سکتا خدا فراموش ہو کر. خدا کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ڈالتا, اس نے پوری آزادی دے رکھی ہے. تو ہم دنیا میں جو بھی پروگرامنگ کر لیں ہم کر سکتے ہیں, لیکن آخرت کے سلسلے میں یہ فارمولہ کارگر نہیں ہوگا. آخرت صرف دعا کے سہارے سے بن سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. کوئی سہارا نہیں ہے. اگر آخرت بنانا ہے تو دعا, اور اگر دنیا ایسی بنانی ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو, جو شرف انسانی کے مطابق ہو, جو کرامت انسانی کے خلاف مطابق ہو, کرامت انسانی کے خلاف نہ ہو, تو بھی ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے اصول کو, فطرت کے بنائے ہوئے قوانین کو, عقل کے بنائے ہوئے قوانین کو بھی سامنے رکھنا ہوگا, اور اپنی پوری جد و جہد اور کوشش کے ساتھ دعا کا سہارا بھی لینا ہوگا. دعا کا سہارا بھی لینا ہوگا. اور دعا یقیناً حسب مراتب ہے. دعا یقیناً حسب مراتب ہے. دعا کا اگر یہ تصور آپ نے رکھا ہے کہ جو اللہ نے نظام اسباب و علل بنایا ہے اس سے نجات مل جائے گی, تو یہ بہت ناقص تصور ہے دعا کا. بہت ناقص تصور ہے دعا کا. مثلا آپ کے پاس زمین ہو, زمین آپ جوتے نہیں, اس کی سینچائی نہ کریں, اس میں گندم نہ ڈالیں, اور یہ تصور کریں کہ لہلہاتی ہوئی فصل تیار ہو جائے. آپ صرف کھیت میں بیٹھ کر, سوکھے کھیت میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں, پروردگار جیسی فصل دوسروں کی ہے ویسی فصل میری ہو جائے. ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. قطعاً ممکن نہیں ہے. جو نظام اس نے بنایا ہے, پہلے آپ دانے گندم زمین کے حوالے کر دیں, اور اس کے بعد دعا کریں, پروردگار جو مجھے کرنا تھا میں کر چکا. میں نے اپنی پونجی زمین کے سپرد کر دی, اسے برکتوں کے ساتھ واپس دینا تیرا کام ہے. دعا سعی و عمل کے ساتھ توام ہے. دعا سے وہ معاشرہ پیدا نہ ہو جائے کہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے, فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس جائیں اور دعا لے لیں, تعویذ لے لیں, گنڈے لے لیں. ایسا نہ کریں, خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. دعا بہت عظیم حقیقت ہے. دعا بہت عظیم وسیلہ ہے. دعا کے لیے بڑی معرفت اور بڑی جد و جہد چاہیے, بڑی ریاضت چاہیے. اور آپ نے کبھی یہ تصور کیا ہے کہ جناب والا کسی آپ مولوی سے, کسی عالم سے, کسی عارف سے, کسی صوفی سے, کسی مرد کامل سے آپ یہ توقع رکھتے ہوں کہ وہ آپ کو کوئی ایسی دعا بتا دے گا کوئی انسان, کہ وہ کہے گا کہ تم یہ پڑھ لیا کرو, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تم بس 10 مرتبہ صبح اٹھ کر سویرے سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ کہہ لیا کرو, تسبیح کہہ لیا کرو, 5 وقتہ نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ممکن نہیں ہے. کوئی دعا روزے کا بدل نہیں ہے, کوئی دعا حج کا بدل نہیں ہے, کوئی دعا ان عبادات کا بدل نہیں ہے. جب کوئی دعا نظام عبادات کا بدل نہیں ہے, تو کوئی دعا نظام معاملات کا بدل کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی دعا وجودیات کا بدل کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی صاحب شادی نہ کریں, کہیں پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما دے. ممکن نہیں ہے. سعی و عمل, اسباب و علل کے سلسلے کو سامنے رکھ کر سعی و عمل کریں. جتنے وسائل رب اکبر نے پیدا کیے ہیں,
ज़मीन एक वसीला है, इस वसीले को इस्तेमाल करते हैं या नहीं। पानी एक वसीला है, इस वसीले को इस्तेमाल करते हैं या नहीं। हवा एक वसीला है, इस वसीले को इस्तेमाल करते हैं या नहीं। आग एक वसीला है, इस वसीले को इस्तेमाल करते हैं या नहीं। ये तमाम वसीले जब आप कबूल कर लेते हैं, मोहम्मद एक वसीला है उससे क्यों तबीयत में गुरेज है, अली एक वसीला है उससे तबीयत में क्यों गुरेज है, जहरा एक वसीला है उससे तबीयत में क्यों गुरेज है, हसन हुसैन वसाइल इलाहिया हैं, इनसे हट कर आखिरत संवर नहीं सकती। सलावात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये चीज़ें मादियात के वसाइल हैं, वो हस्तियाँ मानवियात के मसाइल हैं। ये चीज़ें दुनिया के वसायत हैं, वो चीज़ें आखिरत के वसायत हैं। इसीलिए रसूल ने ये तो नहीं कहा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले दुनिया, हसन अल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना। अब जिसे जन्नत चाहिए हो वो इन सरदारों का दामन पकड़े, जिसे जन्नत ना चाहिए हो उससे हम कोई इसरार भी नहीं करेंगे। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। इरादा तो नहीं था, जहन में यह हदीस आ गई, जबान पे यह हदीस आ गई तो मैंने गुजारिश कर दिया। अब जब हदीस की तिलावत की तो हदीस के एक नए मानी अभी जहन में आ गए। आज से पहले मैंने ये मानी कभी नहीं पढ़े। कभी रसूल ने यह तो नहीं फरमाया, देखिए जिस तरीक़े से खातिमुन नबीयीन की नबूवत क़याम क़यामत तक जारी व सारी है, उसी तरह इन 12 इमामों में से हर एक की इमामत जारी व सारी है। ये नहीं कि किसी एक की वफ़ात के साथ उसकी इमामत का दौर ख़त्म हो गया, ये न तसव्वुर कीजिएगा। इसलिए कि नबूवतों का सिलसिला कैसा रहा है कि नबी जब मूसा दुनिया से चले गए दूसरा नबी आ गया, उनकी शरीयत ख़त्म हो गई। नूह दुनिया से चले गए दूसरा नबी साहिब शरीयत आ गया, उनकी शरीयत ख़त्म हो गई। मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन हैं, इनकी शरीयत कभी मनसूख नहीं होगी, इनकी शरीयत में कभी कोई तहरीफ नहीं होगी, इनकी शरीयत कभी तब्दील नहीं होगी। हलाल मुहम्मद हलाल है क़यामत तक के लिए, हराम मुहम्मद हराम है क़यामत तक के लिए, इसमें कोई मुबालिगा नहीं है, यह साबित हकीकत है। इनकी इमामतें इसलिए लाजवाल हैं कि ये हलाल और हराम मुहम्मद के अमानतदार हैं। बारह इमामों में से इनकी हयात दुनियावी तो मुनक़ते हुई है, ये वफात पा गए, ये शहीद हो गए, ये दफन कर दिए गए, मगर किसी इमाम का कौल मनसूख नहीं किया किसी दूसरे इमाम ने आकर। हसन ने ये नहीं कहा कि ये बाबा का कौल था मेरा कौल ये नहीं है, हुसैन ने ये नहीं कहा ये हसन का कौल था मेरा कौल ये नहीं है, सैयद सज्जाद ने ये नहीं कहा ये हुसैन का कौल था मेरा कौल ये नहीं है। इनमें कोई ऐसा नासिख नहीं है दूसरे के लिए, कोई मनसूख होने वाला नहीं है, ना किसी का कौल ना किसी की सीरत। क़याम क़यामत तक के लिए इनकी इमामत जारी और सारी है, और ख़ुसूसियत के साथ ये जो हुजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, हसन और हुसैन शबाब अहले जन्नत जवानान अहले जन्नत के सरदार हैं, इसके मानी क्या हैं? ये तो नहीं कहा कि मेरे अहद के लोगों के लिए सरदार हैं, या अपने अहद के लोगों के लिए सरदार हैं। ये सरदार हैं जवान आने जन्नत के, कयाम कयामत तक अब जो भी तलबगार जन्नत हो वो किसी को सरदार माने या ना माने, इनको मानना जरूरी है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले।
ये भी हम क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? अगर सिर्फ अली ने कहा होता कि मेरे ये दोनों बेटे जवानान जन्नत के सरदार हैं, हम कभी ना मानते। अगर फातिमा ने कहा होता मेरे ये दो बेटे जवानान जन्नत के सरदार हैं, हम कभी ना मानते। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा। अली के सारे कौल हम इसलिए मानते हैं कि अली के मुतालिक सनद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अता की। जहरा का कौल हम इसलिए मानते हैं कि जहरा का किरदार और उनके अकवाल की सनद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अता की। और मोहम्मद अगर किसी को सनद दे दें और हम ना माने तो ये मोहम्मद का इनकार नहीं है। कुरान मजीद कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। अब हम रसूल की इताअत में ये कैसे कहें, ये बात सरकार तो हम मानेंगे, ये बात हम नहीं मान सकते। क्या शान इताअत है। क्या शान इताअत है। ये शान इताअत, शान इताअत नहीं है, कतअन नहीं है। बहरहाल गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। बात दुआ के ताल्लुक से हो रही थी। जो निज़ाम रब्बे अकबर ने बनाया है उस निज़ाम के पाबंद रहें और उसके साथ दुआ करें। निज़ाम के पाबंद होने के क्या मानी हैं, मैंने दुनिया की मिसाल दी कि दुनिया में जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, काश नहीं करेंगे, निज़ाम इलल व असबाब का सहारा नहीं लेंगे, उस वक्त तक दुआ के कोई मानी नहीं हैं। आप मेहनत करें, साथ में दुआ करें, दुआ कबूल होगी। मानवियात में भी यही है। आप सिर्फ ये सोच लें कि हमने कलमे विलायत पढ़ लिया, हम शियाए अली इब्ने अबी तालिब हैं, अब तो जन्नत हमारी हो ही गई, ये मुमकिन नहीं है। वसीले को थामने के बाद भी दुआ करें, परवरदिगार हमें अली की इताअत का शरफ अता फरमा। कहीं ऐसा ना हो कि विलायत का इकरार जबान तक रह जाए, अमल से इकरार ना होने पाए। जब तक अमल नहीं होगा, जब तक अमल नहीं होगा, उस वक्त तक अली वाले नहीं कहलाएंगे। जब तक अमल नहीं होगा, रसूल वाले नहीं कहलाएंगे। जब तक अमल नहीं होगा, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के अमानतदार नहीं बन सकते। अमल शर्त है। इन तमाम वसायत को इख्तियार करें और फिर रब्बे अकबर से कभी भी सूए जन न रखें। उसकी रहमत बहुत अजीम है, उसकी रहमत बहुत अमीम है, उसका लुत्फ आम है, उसका करम आम है। नबी खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, एक शख्स आता है और वो कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं मुबतला हूँ, न जाने किन किन अमराज में मुबतला था, बहुत से अमराज में मुबतला था। हुजूर ने उससे पूछा कि तूने अपने परवरदिगार से क्या दुआ की थी। आप ये बताएं कि उसने कुछ की होगी दुआ, उसमें कोई बात रही होगी ऐसी जिसकी तस्हीह करना थी। इन्हें कैसे मालूम कि इसने क्या दुआ की रब से। तूने अपने रब से क्या दुआ की थी। कहा मैंने दुआ ये की थी कि परवरदिगार मैं बहुत गुनाहगार हूँ, जो मुझे सजाएं देनी हो दुनिया में दे दे ताकि आखिरत में मैं सुरखरू रहूँ। कहा वाय हो तुझ पर, परवरदिगार बहुत करीम है, परवरदिगार बहुत बड़ा रहीम है। तूने उससे एक ही जहान की आफियत मांगी, क्या दोनों जहान की आफियत मांगता तो वो न देता। दोनों जहान की आफियत तलब करता तो अल्लाह न देता। और उसके बाद कुछ नहीं, एक आयत कुरानी कहा, इस वक्त मेरे सामने तिलावत कर, यूं दुआ कर, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। उसने हुजूर के महजर में उनके कहने के कहते ही जब उनके सामने उनके हुक्म के मुताबिक ये आयत पढ़ी, इधर आयत पढ़ी और सर तापा शफायाब हो गए। सलावात पढ़ दें मोहम्मद वाले। दुआएं
یہی دعائیں ہیں ان میں بے انتہا تاثیر ہے. یہ قرآن پاک کی دعائیں ہیں. قرآن پاک میں بہت سی دعائیں ہیں, نبیوں کی دعائیں ہیں, ولیوں کی دعائیں ہیں, ہمیں تعلیم دی گئی ہیں دعائیں, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی دعائیں مروی ہیں, بہت سی دعائیں مروی ہیں. اگرچہ میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے, مگر بہرحال کچھ دیر اور چند دعائیں ذکر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اور اس کے لیے ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہر شخص دعا کرتا ہے, اپنے لیے دعا کرتا ہے, اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کرتا ہے, اپنی کردار سازی کے لیے دعا کرتا ہے. اسی لاہور سے کسی سائل نے, کسی پوچھنے والے نے مجھ سے بار بار انٹرنیٹ پر سوال کیا, میں تفصیل سے جواب نہیں دے پایا. سوال یہ تھا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, میں دعا کرنا, میں عبادت کرنا چاہتا ہوں, اس کے باوجود طبیعت نماز کی طرف نہیں آتی. ہوتی ہیں یہ کیفیتیں. آخر میرے ایک بہت ہی پرمزاح دوست ہیں, وہ کہا کرتے ہیں کہ شیطان مسلسل اوور ٹائم کر رہا ہے, مسلسل ایکسٹرا محنت کر رہا ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت ہی لے رکھی ہے, اور اس لیے مہلت لے رکھی ہے تاکہ وہ بندگان خدا کو گمراہ کرے. وہ گمراہ کرتا ہے, طرح طرح سے گمراہ کرتا ہے. وہ برائیوں کو اچھائی کی شکل میں پیش کرتا ہے, برائیوں کو اچھائی کی شکل میں پیش کرتا ہے. بہرحال, اور یہ فقرہ وہ ہے کہ جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام, نے اپنی ایک دعا میں ارشاد فرمایا ہے. آپ سے جو دعائیں مروی ہیں, بڑی پرمعرفت دعائیں, اس میں جو مسائل توحید حل کیے ہیں, اس میں جو مسائل عدل حل فرمائے ہیں, اس میں جو حقائق عصمت سے متعلق, نبوت سے متعلق, ختم نبوت سے متعلق, آخرت سے متعلق, وسائل الہیہ سے متعلق, وسائط الہیہ سے متعلق جو حقائق بیان فرمائے ہیں, وہ اس لائق ہیں کہ مدارس دینیہ میں, خانقاہوں میں بطور درس کے وہ دعائیں پڑھی جائیں, سمجھی جائیں, نصاب تعلیم کا حصہ بنائی جائیں, اور اس کے بعد جب حال نصیب ہو, کیفیت نصیب ہو, تو پھر انہی دعاؤں کے وسیلے سے رب اکبر سے رحمت طلب کی جائے. اس میں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار, تو خوب بہتر جانتا ہے, تیرا کوئی مومن بندہ اس وقت تک گناہ نہیں کرتا جب تک کہ شیطان گناہ کو نیکی بنا کے اس کے سامنے پیش نہیں کرتا. البتہ یہ مومنین کی شان ہے, جو مومن نہیں ہیں وہ برائی کو برائی سمجھ کے بھی اپناتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو مومنین ہیں, جو واقعاً سچے دل سے مومن ہے, وہ کبھی بھی برائی کو اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ شیطان اسے اشتباہ میں مبتلا نہ کرے, التباس میں مبتلا نہ کرے, دھوکہ نہ دے, غلط کام کو اچھا اور صحیح کام بتا کر شیطان مبتلائے گناہ کرتا ہے. بہرحال, تو یہ شیطان کا کام ہے. لیکن انسان کو دعا ہی سہارا بھی دیتی ہے, دعا ہی سہارا بھی دیتی ہے. جب انسان نماز پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہو, بہت سے طریقے ہیں, بہت سے طریقے عرفا نے ائمہ دین سے اور نبی کریم سے نقل کیے ہیں, لیکن میں صرف ایک تذکرہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. اسے عمل کر کے دیکھیے گا. جب بھی آپ غسل کر لیں, وضو کر لیں, طہارت کر لیں اور مصلی پہ آئیں, پھر بھی حواس مجتمع نہ ہو رہے ہوں کہ نماز کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے, ہاتھ اٹھا رہے ہیں تکبیر کہنے کے لیے, تکبیرت الاحرام نہیں کہہ پا رہے. گزرتے ہیں یہ حالات, ہر شخص پر گزرتے ہیں, یہ آزمائشی حالات گزرتے ہیں. آپ وہیں بیٹھ جائیے, اور کوئی بھی اسم الہی جو زبان پر جاری ہو جائے, کچھ دیر تک اس اسم کو دل ہی دل میں آپ اس کا ورد کرتے رہیے. کوئی بھی اسم, آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیے.
چند منٹوں میں وہ توانائی پیدا ہو جائے گی کہ پورے وجود کے ساتھ نماز کے لیے آپ مصروف ہو جائیں گے. کوئی بھی ذکر آپ کچھ دیر تک اس ارادے سے کہ اے رب اکبر، اے معبود، میں تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے سجدے کا محتاج نہیں ہے، تجھے سجدہ کرنا میری ضرورت ہے، اے معبود میرا سجدہ قبول کر لے، میں قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز کا تو نیاز مند نہیں ہے میرے مالک، میری ضرورت ہے کہ میں نماز پڑھوں. اور اس جذبے کے ساتھ کچھ دیر کوئی بھی اس میں الہی خصوصیت کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ ورد کریں، آپ دیکھیں گے شیطان دور ہو جائے گا، وسوسے دور ہو جائیں گے، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی، مرض دور ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ وہ توانائی حاصل کر لیں گے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں گے خضوع و خشوع کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ سائل تک جواب پہنچ گیا ہوگا. بہرحال دعائیں ہر طرح انسان کو مدد کرتی ہیں، دعاؤں کے مراتب ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث اور ذکر کروں گا، اور کل میں نے ذکر، دعا اور ذکر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دعا اور ذکر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کل میں نے ایک حدیث برزخی گزارش کی تھی کہ کسی ایک فرد کو، البتہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جس کو حضور دستور دیں اسی کے لیے ہے. ذکر کا دستور دیا کیا؟ سکوت. دوسرے مقام پر حدیث ہے، وہ حدیث برزخیہ نہیں ہے، وہ حدیث ہے جو اصول کافی میں موجود ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے. فرمایا معصوم نے اور پیغمبر سے نقل کیا ہے، فرزند رسول نے کہا، دیکھو اللہ نے نماز معین کی، واجب کی، مگر اس کو محدود کر دیا، پانچ وقت کی نمازیں. روزہ واجب کیا، محدود کر دیا. حج واجب کیا، پوری زندگی میں ایک بار واجب کیا. ہر عبادت اللہ نے محدود کر دی ہے، الا ذکر، ذکر کی کوئی محدودیت نہیں ہے. مسلسل ذکر کرو، مدام ذکر کرو، ہمیشہ ذکر کرو، کوئی ذکر کی حد آخر نہیں ہے. لیکن ذکر سے مراد کیا ہے پھر؟ ذکر کی ایک وہ منزل ہوتی ہے کہ انسان کی بیداری بھی ذکر بن جائے، انسان کا خواب بھی ذکر بن جائے، انسان کی نیند بھی ذکر بن جائے، انسان کی ایک ایک سانس ذکر بن جائے، یعنی یاد الہی. ذکر یعنی یاد خدا. انسان جو عمل کرے وہ عمل ایسا ہو کہ انسان خدا کو خود بھی یاد رکھے اور اس کا عمل دیکھ کر دوسروں کو خدا یاد آ جائے، اس کی شان عمل دیکھ کر خدا یاد آ جائے کہ یہ اللہ والا بندہ معلوم ہوتا ہے، اس نے یہ قدم اٹھایا ہے خدا کی خاطر. آپ کسی عزیز کے گھر ملاقات کے لیے جائیں، جب واپس آئیں تو آپ زبان سے کچھ نہ کہیں، اسے دل میں محسوس ہو یہ اللہ کا بندہ صرف خدا کی خاطر میری خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا تھا. آپ کو معلوم ہے یہ اعمال چھوٹے چھوٹے کتنے اثرات رکھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان توجہ رکھیں رب اکبر کتنا کریم ہے، کیسا غفور ہے، کیسا شکور ہے، کیسے اس نے اپنے بندوں پہ انعامات فرمائے ہیں. رب اکبر فرماتا ہے، حضور کی زبانی، حضور کی یہ حدیث آئی ہے ہم تک حضور کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ دین کی زبانی، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے صرف قربتاً اللہ، تفقد احوال کے لیے، یعنی احوال پرسی کے لیے، کسی کی مزاج پرسی کے لیے کہ میرا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، میرے اولو الارحام میں سے ہوتا ہے، صلہ رحمی کا تقاضا ہے، یا میرا دوست ہے، یا ایک بندہ مومن ہے، ایک بندہ مسلم ہے، بہت دنوں سے نظر نہیں آیا، چل کے دیکھو تو خیریت سے تو ہے، کوئی غرض نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، بعد میں کوئی اس سے عوض نہ لینا ہو کسی بھی اعتبار سے، صرف اس ارادے سے جائے کہ ہمیں اس کی خیریت دریافت کرنی ہے. جب وہ اس کے گھر سے خیریت دریافت کر کے پلٹتا ہے تو اس طرح گناہوں سے اللہ اسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو گناہوں سے پاک. یہ رب اکبر کا کرم ہے، یہ رب اکبر کا کرم ہے. یعنی اس وقت ہمارا جانا اور آنا ذکر ہے، ہمارا جانا اور آنا دعا ہے، اس لیے کہ ہم دعا کر، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. زبان سے کہنا کہ پروردگار دعاؤں کو معاف فرما دے، دعا ہے. اس ارادے سے قربتاً الاللہ جانا اور آنا کہ نبی نے وعدہ کیا ہے.
नबी ने वादा किया है कि अगर तुम अपने किसी अजीज रिश्तेदार करीबी की मिजाज कुर्सी के लिए या किसी बंदे मोमिन की मिजाज कुर्सी के लिए उसके घर जाओगे और आओगे तो जाने और आने का सिला और इनाम यह है कि तुम्हारे तमाम गुनाह परवरदिगार माफ फरमा देगा। यह अमल दुआ बन जाएगा, यह अमल जिक्र बन जाएगा। जिक्र की कोई हद नहीं है, पूरी जिंदगी जिक्र के सांचे में ढल सकती है। हाँ, लेकिन दुआ और जिक्र के सिलसिले फिर भी मरातिब हैं, फिर भी मरातिब हैं। इमाम ही से पूछा गया, कहा जो मुस्तज़अफीन हैं, मुस्तज़अफीन यानी वो लोग के जिनके पास ज़्यादा इल्म नहीं है। मुस्तज़अफ़ के दो मानी हैं, मुस्तज़अफीन के दो मानी हैं, एक इक्तसादी एक रूहानी। इक्तसादी मानी ये है मुस्तज़अफीन के, वो लोग जिनका इक्तसादी तौर पर इस्तेहसाल किया गया हो, कुचल दिया गया हो, कमज़ोर लोग। और मानवी वो जिनके जिन तक मारिफत न पहुंची हो, जिन्हें इल्म न मिला हो। तो जो जाहिल तबका है, नादान तबका है, मजदूर तबका है, आलिम नहीं है, आरिफ नहीं है, उसको भी मुस्तज़अफ़ कहते हैं। कहा मुस्तज़अफ़ीन के लिए हर मकाम और हर महल के लिए दुआएं तजवीज़ की गई हैं, बताई गई हैं, इस मुसीबत में मुब्तला हो तो ये दुआ पढ़ो, इस मुसीबत में मुब्तला हो तो ये दुआ पढ़ो, इस वक्त ये दुआ पढ़ो, उस जगह ये दुआ पढ़ो। दुआ की कबूलियत में ज़मान और मकान का भी दखल है। खाने काबा के पास जाकर दुआ कबूल होती है, रोज़े रसूल के पास जाकर दुआ कबूल होती है, और शहादत उज़्मा का इनाम अल्लाह ने सैयदुश्शहदा इमाम हुसैन को ये दिया है कि उनके गुंबद के नीचे दुआ कबूल होती है। कभी गुंबद हुसैन के नीचे दुआ रद्द नहीं होती, कभी दुआ रद्द नहीं होती। मकान का दखल है दुआ की कबूलियत में, जमान का दखल है दुआ की कबूलियत में। मसलन शब कद्र दुआ कबूल होती है, माह मुबारक रमज़ान में दुआएं कबूल होती हैं, मैदान आरफात में दुआएं कबूल होती हैं। रोज़ आरफा, चाहे आप मैदान आरफात में ना हो, नौज़िल हिज्जा आप जहां भी हैं वहां पूरा दिन दुआ में बसर करें, रोज़ा रखें, दुआ करें, दुआएं कबूल होती हैं। ये सब दुआएं सिखाई गई हैं, तालीम दी गई हैं, दुआ का एक मुकम्मल निज़ाम है। कोई दुआ बेनतीजा भी नहीं होती। और यहाँ पर एक हदीस और सुन लें, एक हदीस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाते हैं कि देखो बहुत से ऐसे हैं तुम में से कि जिनकी दुआ कबूल नहीं होती बज़ाहिर, मालूम है उनका अजर क्या है। कुछ लोग रोज़ क़यामत ऐसे होंगे कि जब वो मैदान हश्र में आएंगे, हिसाब व किताब का मरहला होगा, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा, नेकियों का ज़ख़ीरा, और वो हैरान होंगे, हैरत ज़दा होकर कहेंगे रब परवरदिगार मैंने तो इतनी नेकियां की ही नहीं हैं, इतनी नेकियां मेरे हिसाब में कहां से आ गईं, मैं तो बहुत गुनाहगार बंदा हूं, मैं तो बहुत ही हकीर बंदा हूं, इतनी नेकियां मेरे हिसाब में कहां आ गईं। मशीयत आवाज़ देगी, रहमत आवाज़ देगी, तूने ज़िंदगी भर दुआएं की थीं, वो दुआएं दुनिया में कबूल नहीं हुई, मुझे शर्म आती है कि उन दुआओं के अजर में तुझे कुछ ना अता करूं, ये नेकियां उन दुआओं के बदले दी जा रही हैं जो दुनिया में दुआएं कबूल नहीं की गई। कोई दुआ रायगा नहीं जाती, कोई दुआ रायगा नहीं जाती। हाँ, वो जानता है कि किसकी दुआ कब कबूल करनी चाहिए, किसकी दुआ किस तरह कबूल करनी चाहिए। जब तक इंसान कदर नेमत न रखता हो उस वक्त तक उसको नेमत अता नहीं होती, उस वक्त तक उसको नेमत आता नहीं होती। अजीज़ो, दुआ के मौजू पर बहुत गुफ्तगू मुमकिन है, बहुत गुफ्तगू मुमकिन है, लेकिन देखिए हम दुआएं करते हैं, हम दुआएं करते हैं अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने रिस्क व रोज़ी के लिए, अपनी दुनिया के लिए, अपनी आखिरत के लिए। अल्लाह वाले किसके लिए दुआ करते हैं, कैसी कैसी दुआएँ करते हैं। अल्लाह के हबीब से सुनिए, अल्लाह के हबीब ने कैसी कैसी दुआएँ की हैं। हज़रत आनस रावी हैं,
فرماتے ہیں حضرت انس پیغمبر کے خادم ہیں خدمت گزار ہیں دربان ہیں کہتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس بہشت سے غذا آئی ایک طائر آیا بہشت سے طائر آیا پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے پروردگار اس وقت میرا جی چاہتا ہے تو ایسے بندے کو میرے پاس بھیج دے جو تمام خلقت میں سب سے زیادہ تیرا محبوب بندہ ہو تاکہ تیری دی ہوئی اس بہشتی غذا میں وہ میرا شریک ہو حضرت انس کہتے ہیں کہ پیغمبر نے دعا ختم کی علی ابن ابی طالب داخل ہو گئے پیغمبر کی دعا ہے پیغمبر کی دعا ہے علی آ گئے فوراً آ گئے اور پیغمبر کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پیغمبر نے علی کے ساتھ وہ بہشتی لقمے تناول فرمائے یہ پیغمبر کی دعا ہے پیغمبر کی اور دعائیں ہم سب حق کے لیے مرتے ہیں ہم سب حق طلب کرتے ہیں اب دور کیا آ گیا خدا کی قسم ہر شخص اپنے حقوق طلب کرتا ہے حق کا اتنا ناقص تصور پیدا ہو گیا ہے 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں کہ حق کے اس تصور کی بنیاد پر کسی کو حق مل ہی نہیں سکتا کبھی امن کا نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا میں پیس اور جسٹس کا وجود ممکن ہی نہیں ہے اس چارٹر آف رائٹس کی بنیاد پر کہ جو یونائٹڈ نیشنز نے تجویز کیا ہے حق کا تصور ہی بدل کے رکھ دیا آپ کی زبان میں بھی بدل گیا اب آج کے صحافی آج کے جرنلسٹ کیا لکھتے ہیں ہم اپنا حق طلب کرتے ہیں ہم اپنا حق مانگتے ہیں ہم اپنا حق چاہتے ہیں اردو زبان کے رمز شناس حضرات موجود ہیں غالب کا شعر کیا ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہمارے ہاں حق کے ادا کرنے کا تصور تھا حق کے طلب کرنے کا تصور نہیں تھا اگر دنیا میں ہر شخص حق ادا کرتا رہے فرض ادا کرتا رہے تو کسی کا حق پامال ہی نہیں ہوگا پامال ہی نہیں ہو سکتا ہم جدید نظام تعلیم میں بچوں کو سکھاتے ہیں تمہارے رائٹس ہیں ماں باپ کے اوپر اگر وہ پورا نہ کریں تو پولیس کو کال کر لو بڑے پیار سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے جدید لائف اسٹائل کی قدریں ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں عورتوں کو سکھاتے ہیں شوہروں کے خلاف حقوق شوہروں کو سکھاتے ہیں عورتوں کے خلاف حقوق عزیزو اس کے بجائے اگر ہم مردوں اور عورتوں کو والدین کو سکھائیں کہ بچوں کے حقوق آپ پر کتنے ہیں اسے کبھی فراموش نہ کیجئے بچوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کیجئے وہ باری ہی نہیں آئے گی کہ بچے محروم رہ جائیں اگر ہم شوہروں کو بتاتے رہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں تو کوئی عورت محروم رہی نہیں جائے گی اگر ہم امیروں کو بتاتے رہیں کہ فقیروں کے حقوق کیا ہیں تو کوئی فقیر محتاج رہی نہیں جائے گا اور یہی مزاج اسلام نے روز اول سے قائم کیا اسلام کے نظام اقتصاد میں اور اشتراکیت و اجتماعیت اور دوسرے تمام نظاموں میں یہی فرق ہے دوسرے نظاموں نے فقیر کو بتایا کہ تم غنی کے مال و دولت کو چھین لو لیکن اسلام نے غنی سے کہا کہ تم فقیر کے گھر جا کر دولت پہنچا کے آؤ تم پہنچا کے آؤ زکاة دو خمس دو صدقات دو نیکیاں کرو ڈونیشنز دو یہ سب اسلام نے مزاج بنایا ہے اسلام نے جتنا اچھا جتنا ہیلدی جتنا کمپریہنسیو جتنا مکمل چیریٹی کا نظام بھی بنایا ہے کسی اور نے نہیں بنایا ہے قطعاً نہیں بنایا ہے عزیزو بات آگئی یہاں تک تو گزارش کر دوں کہ آپ کے ملک میں جو بعض حضرات دین کے لیے ملت کے لیے امت کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی کمک کرنے میں فراموش نہ کریں میں دوسرے ملکوں کی بات نہیں کرتا آپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں اپنے غریبوں کو فراموش نہ کریں
अपने फ़कीरों को फरामोश ना करें, अपने नादारों को फरामोश ना करें। क्यों आज की मजलिस में ये ना कहूँगा तो कब कहूँगा? मालूम है किसकी मजलिस है? उसकी मजलिस है जो रातों में, रात की तारीकियों में अपनी पीठ पर रोटी का बार लेकर रात की तारीकी में दरवाज़ों को खटखटाया करता है। दिन में नहीं पहुंचाते थे, रात में पहुंचाते थे। ग़ुलामों से नहीं पहुंचवाते थे, खुद पहुंचाते थे। अल्लाह, खुद पहुंचाते थे। दरवाज़ा खटखटाया, दक्कुल बाप किया, कबल इसके के पूरा दरवाज़ा खुले हाथ बढ़ा के देकर रुख्सत हो गए, ताकि वो इमाम को पहचान कर शर्मिंदा ना हो, शर्मसार ना हो। ये उस इमाम की आज शबे शहादत है। अजरुकुम अलल्लाह। और उस इमाम की शबे शहादत है कि जिस इमाम ने ज़िंदगी भर दुआओं को वसीला तबलीग भी बनाया, वसीला रुश्द हिदायत भी बनाया। हाँ, मुझसे कहा गया था कि इमाम की पूरी सीरत पढ़ूँ। इमाम की सीरत वही है जो अली की सीरत है, जो हसन की सीरत है, जो हुसैन की सीरत है। सज्जाद की सीरत भी वही है जो मुस्तफ़ा की सीरत है। उसके अलावा उनसे हट के कोई सीरत नहीं है। अवामुन नास को तालीम देना, तालिब इल्मों को खसूसियत से तालीम देना। सैयद सज्जाद का मदरसा था मदीने में, तालीम दिया करते थे। करबला से पहले भी मदरसा था, करबला के बाद भी मदरसा कायम किया। और ये जुमला याद रखना आजीज़ो, याद रखना ये जुमला, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ। आज रूए ज़मीन पर जितना कुछ इस्लाम है वो सिर्फ सैयद सज्जाद की अता है। जितने इस्लाम शनास थे, जो अमानत दारान नामूस रिसालत थे, जो असरार खत्म नबूवत के हामिल थे, जो अल्लाह के सच्चे बंदे थे, जो तौहीद परस्त बंदे थे, वो सब हुसैन के साथ करबला में आ गए थे। चंद नफूस रह गए थे। और उसके बाद जो तौहीद का पैगाम है, जो ख़त्म नबूवत का मकाम है, जो रुश्द का रास्ता है, जो आखिरत का खौफ है, जो निज़ाम इबादत है, ये सब सैयद सज्जाद ने तालीम किया है, किसी और ने नहीं तालीम किया। आप तारीख का जायज़ा लें, तमाम अइम्मा फ़िक़्ह की बात कर रहा हूँ। हज़रत इमाम मालिक किसके शागिर्द हैं? हज़रत इमाम अबू हनीफा किसके शागिर्द हैं? हज़रत इमाम शाफ़ी किसके शागिर्द हैं? हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल किसके शागिर्द हैं? हज़रत अशअरी किसके शागिर्द हैं? ये तमाम हज़रात किसके शागिर्द हैं? सिलसिला पहुँचता है जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तक। जाफ़र सादिक़ किसके शागिर्द हैं? मोहम्मद बाक़िर। मोहम्मद बाक़िर किसके वसी हैं? सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन। उसके अलावा इमाम शहाबुद्दीन, जिन्होंने फ़िक्ह में, हदीस में, कलाम में बेपनाह काम किया है, वो किसके शागिर्द हैं? सैयद सज्जाद के शागिर्द हैं। मुसलसल सैयद सज्जाद ने इल्म की खैरात भी बांटी और मादी एतबार से भी नादारों की सरपरस्ती की है। नादारों की सरपरस्ती की है। कहाँ से की? अइम्मा की इक्तिसादियात क्या थी, इनकी माशियात क्या थी? ये उम्मत के सहारे से, उम्मत के वजीफा खार नहीं थे, इनके बागात थे, इनकी तजारतें थीं। ये अपने ग़ुलामों के ज़रिए से तजारतें करवाते थे, और वो सारी तजारत, सारी आमदनी बागात की, वो सब नादारों को तकसीम हो जाती थी। और अपने घर में इतना नहीं रहता था कि नाने शबीना से आसूदा होते पेट पर पत्थर बांध कर नमाजें पढ़ा करते थे। आले रसूल की नादारी वो नादारी नहीं थी कि उनके पास कुछ था नहीं, फकीरों को तकसीम किया करते थे, घर में कुछ नहीं रखते थे, खुद फाके किया करते थे, खुद रोज़े रखा करते थे। ये थे आले रसूल। अगर आले रसूल ना होते ना आज इस्लाम होता ना आज मुसलमान होता। आज उस इमाम की शबे शहादत है। बस गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ, गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। आज शबीह ताबूत बरामद होगी।
कल गुफ्तगू कर रहा था मकाम मसाहिब में, सैयद सज्जाद जिंदगी भर रोए और क्या कहकर रोए, जब कोई सहाबी आता था और कहता था आका कब तक गिरिया करेंगे, तो यही फरमाते थे तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। हाँ, कल पढ़ चुका हूँ रिवायत, मगर फिर ज़बान पर आ गई है, जी चाह रहा है कि पढ़ूँ, जी चाह रहा है कि ख़ुद भी रोऊँ और आप भी गिरिया करें। इमाम सादिक ने फरमाया है जब मेरे जद्द मज़लूम का मरसिया पढ़ा जाए, जब उनके मसाइब पढ़े जाएं, तो बुलंद आवाज से गिरिया किया। ये गिरिया बिदत नहीं है, ये गिरिया शिर्क नहीं है, ये गिरिया जिक्रुल्लाह पर है, ये गिरिया के तस्करे पर गिरिया है, ये गिरिया दिलों में खुशबू पैदा करता है, ये गिरिया दिलों में खुशबू पैदा करता है, ये गिरिया दिलों में सोज़ो गुदास पैदा करता है, ये गिरिया तबीयतों को पाक करता है, ये वजू इश्क है जो नमाज इश्क के लिए आमादा करता है। हाँ, सैयद सज्जाद जिंदगी भर रोए, असहाब में से किसी ने कहा आका कब तक गिरिया करेंगे, फरमाया तुमने इंसाफ नहीं किया, याकूब की निगाहों से एक बेटा ओझल हो गया था, जिंदगी भर गिरिया फरमाया, इतना गिरिया फरमाया कि आंखें बेनूर हो गईं, मेरे सामने तो 18 यूसुफ जबा कर दिए गए। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकुम अल्लाह खैरल जज़ा। कहने वाले ने फिर कहा आका अल्लाह की राह में शहीद हो जाना आपके ख़ानदान की मीरास है। तड़प उठे, कहा हाँ अल्लाह के राह में शहीद हो जाना ख़ानदान की मीरास है, मगर माँ बहनों का बेरिदा बाजारों में फिराया जाना हमारे ख़ानदान की मीरास नहीं है। सब्र करें, जब मैं अमामा उतारूंगा तब शबीहे ताबूत बरामद होगी। अभी जबर कर रहा हूं तबीयत पर, मसाइब में दिल नहीं चाहता कि अमामा सर पर रहे, मगर जबर कर रहा हूं। सैयद सज्जाद को क्या क्या मनाजिर जिंदगी भर भूले नहीं, कौन सा मंजर भूल जाते, शाम का मंजर या करबला का मंजर, करबला का वो मंजर जब सैयद सज्जाद मिहारे नाका थामे हुए उन लाशों की तरफ से गुजारे गए जहां लाशें बरहना पड़े हुए थे। ज़ैनब ने पुश्त नाका से आवाज दी, ए बेटा अपने को संभालो, मैं क्या देख रही हूं, तुम्हारी रूह बदन से मुफारकत कर जाएगी। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा आप ही इंसाफ करें, जवान बेटा जिंदा हो और बाप का लाशा बेगोर कफन रह जाए। ये मंजर सैयद सज्जाद पूरी जिंदगी नहीं भूले, आखिरी लम्हे आ गए, सैयद सज्जाद को जहर दिया गया, जहर का असर पूरे बदन में फैला, तमाम कुनबा सिमट आया, तमाम बच्चे बालील पर मौजूद थे। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने इमाम बाकिर से फरमाया मुझे जमीन पर लिटा दो, अजरुकुम अल्लाह,
अजरकुम अल्लाह, ये वसीयतें हैं। हर इमाम ले जाते वक्त तौहीद की वसीयत की, नबूवत याद दिलाई, शरीयत की पाबंदी की वसीयत की, तक्वा की वसीयत की, बतौर ख़ास नमाज की वसीयत की। हर इमाम ने बतौर ख़ास इंतकाल के वक्त, वफात के वक्त नमाज की वसीयत की, मगर उसके बाद जब वसीयत आगे बढ़ी तो एक मर्तबा कहा, बेटा मैं वसीयतें कर चुका, अब मुझे जमीन पर लेटा दो। जनाब बाकिर ने कहा, हजरत जैद ने कहा, तमाम बच्चों ने कहा, बाबा आका आपका जिस्म कमजोर है, आपका जिस्म का नहीं, मैं बिस्तर पर नहीं रहना चाहता, मैं तख्त पर नहीं रहना चाहता, जमीन पर लेटाया गया। कहा नहीं, मुझे खाक पर लेटा, फर्श हटाओ, मुझे खाक पर लेटाओ। काका अरे ये क्या वसीयत है? कहा मुझे अपने बाबा का लाशा याद आ रहा, बाबा का लाशा जो बेगोरों का फन पड़ा था। कैसे मुमकिन है कि मैं उस मंजर को फरामोश कर दूं? वाह सैयदा, वाह अलिया, वाह मुहम्मदा, वाह हुसैना। Oh